Business News is brought to you by Winner Institute. नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एससीएल टेक का लाभ 10% बढ़ा, 12 रुपए का देखें लाभांश। और वाडिया समूह की एयरलाइंस गो फर्स्ट अब बिकने जारी है, नए मालिक के साथ उड़ान भरी की गो फर्स्ट। भारी कर्ज और नकदी संकट से जूझ रही वाडिया समूह की एयरलाइंस गो फर्स्ट अब बिकने जारी है। कंपनी ने आर्थिक संकट से निकलने के लिए कई कोशिशें की लेकिन सफल नहीं हो सकी। इंजन की तकनीकी खामी और नकदी संकट के चलते 3 मई से गो फर्स्ट की सभी उड़ानें खड़ी है। अब लग रहा है कि ये विमान नए मालिक के साथ ही टेक ऑफ करेगी। दरअसल दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही गो फर्स्ट बिकने जारी है। इस कंपनी को खरीदने के लिए बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इस रेस में जिंदल पावर लिमिटेड सबसे आगे है। रिपोर्ट के मुताबिक जिंदल पावर ने इसके लिए रुचि की अभिव्यक्ति यानी ईओआई जमा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज। देश की दूसरी सबसे बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी की कंपनी इंफोसिस का चालू वित्त वर्ष 2023 और 24 की दूसरी तिमाही जुलाई सितंबर में शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 3.1% बढ़कर 6215 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि में शुद्ध लाभ 6026 करोड़ रुपए रहा था। इंफोसिस की आय तिमाही में 6.7% बढ़कर 38994 करोड़ रुपए रही। इंफोसिस के सीईओ सलील पारिक ने कहा कि सभी कार्य क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में दूसरी तिमाही में हमने सबसे अधिक 7.7 अरब अमेरिकी डॉलर के सौदे किए हैं। पारिक ने कहा कि यह कंपनी की ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों के लिए प्रासंगिक बने रहने और आगे बढ़ने की क्षमता का एक प्रमाण है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2023 और 24 के लिए आय वृद्धि अनुमान को 1 से 3.5% से घटाकर 1 से 2.5% कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज। देश की तीसरी बड़ी आईटी कंपनी एससीएल टेक्नोलॉजीज का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष के दूसरे तिमाही में 10% बढ़कर 3833 करोड़ रुपए रहा। बीते वित्त वर्ष के समान तिमाही में कंपनी का शुद्ध लाभ 3487 करोड़ रुपए रहा था, जबकि तिमाही में कुल आय 8% बढ़कर 26672 करोड़ रुपए रही, जो सितंबर 2022 में 24686 करोड़ रुपए रही थी। कंपनी ने 12 रुपए प्रति शेयर का अंतरिम लाभांश भी घोषित किया है, जिसके लिए रिकॉर्ड तिथि 20 अक्टूबर 2023 रखी गई है। एससीएल के नतीजे देश की सबसे बड़ी कंपनियां टीसीएस और इंफोसिस की तुलना में बेहतर रहे हैं। टीसीएस और इंफोसिस के लाभ में वृद्धि कम हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज। भारत में B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स की प्रमुख कंपनी रॉकिंग डील सर्कुलर इकोनॉमी लिमिटेड ने अतिरिक्त इन्वेंट्री की सोर्सिंग के लिए एक साथ 30 ब्रांडेड कंपनियों के साथ साझेदारी की है, जिनमें होम अप्लायंसेस, एपेरेंस, किचनवेयर, स्पीकर, मोबाइल एक्सेसरीज, फुटवेयर ब्रांड शामिल है। जिन बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के साथ साझेदारी की गई है उनमें सैमसंग, थॉमसन, एमआई, एलजी, गोएटो, सलूरा, सिंफनी, जारा, नाइकी, रिबॉक, कैंपस, सोनी, बोट, गिजमोर, वन प्लस जैसे बड़े ब्रांड शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी ने अतिरिक्त इन्वेंट्री और ओपन बॉक्स उत्पादों की सोर्सिंग के लिए स्नैपडील, फ्लिपकार्ट और अमेजोन से भी हाथ मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिल गया है, कंपनी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। इंजीनियरिंग और परामर्श कंपनी ने BSE को बताया कि रेल मंत्रालय से राइट्स को नवरत्न का दर्जा देने के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। नवरत्न का दर्जा शीर्ष प्रदर्शन करने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों को दिया जाता है। विगत कुछ वर्षों से राइट्स की विकास गति तेज रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनबीसी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। एससीएल टेक का लाभ 10% बढ़ा, 12 रुपए का देखें लाभांश। और वाडिया समूह की एयरलाइंस गो फर्स्ट अब बिकने जारी है, नए मालिक के साथ उड़ान भरी की गो फर्स्ट। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए इनबीसी न्यूज। नमस्कार।